हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। वफाकी वज़ीर कानून ज़ाहिद हामिद मुस्ताफी कहते हैं मुल्क बहरान से दो चार है, इसलिए रसाकाराना तौर पर मुस्ताफी हुआ। मुजाहिरीन फैजाबाद धरना खत्म करने पर राजी, सामान समेट लिया, पुलिस ने रास्तों से कंटेनर्स हटा दिए, हुकूमत और मुजाहिरीन के दरमियान मुआहदा तय पा गया। धरने के दौरान गिरफ्तार अफराद 3 रोज में रिहा किए जाएंगे, राजा जफरुल हक की रिपोर्ट चंद रोज में जाहिर करने पर इत्तेफाक। इलेक्शन एक्ट में तरमीम के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। मुआहदे पर वजीर दाखिला एहसन इकबाल, खादिम हुसैन रिजवी और पीर अफजल कादरी समेत 5 अफराद के दस्तखत। कराची, लाहौर और पेशावर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में धरने जारी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट मामूल से बहुत कम, रास्ते बंद होने से अवाम को शदीद मुश्किलात, कराची और पंजाब में तालीमी इदारे भी बंद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फैजाबाद धरना केस की समाअत, वजीर दाखिला एहसन इकबाल को अदालत में फौरन पेश होने का हुक्म, सेक्टर कमांडर ISI और IG इस्लामाबाद अदालत में पेश। नवाज शरीफ के खिलाफ अल अजीजिया रेफरेंस की समाअत कल तक मुलतवी, कैप्टन ऑफ द रिटायर्ड एहतसाब अदालत में पेश, वकील ख्वाजा हारिस और इस्तगासे के गवाह अदालत नहीं आए। सेनेट का इजलास आज शाम 4 बजे होगा, कौमी असेंबली की नशस्तों के हवाले से तरमीमी बिल पेश किया जाएगा। जामशोरों के इलाके